फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं दही की लस्सी बनाने वाली हूँ। दही की लस्सी गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसे शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है ये। तो आज बनाते हैं दही लस्सी। तो यहाँ मैंने दही ले लिया है, तकरीबन 1.5 लीटर दूध का मैंने दही जमाया था और इसे बनाते हैं। तो मैं हाथ से ही बनाऊंगी। इसे आप मिक्सर में भी डाल के बना सकते हैं, चीनी वगैरह सब इकट्ठे डाल के मिक्सर जार में, लेकिन आज मैं भगोने में ही बनाऊंगी इसको। हाथ की मथनी से फेंट कर तपती गर्मी में राहत देता है लस्सी। आज हमारे यहाँ सभी को लस्सी पीने का मन किया तो मैं इसे बना रही हूँ। इसे फेंट लेते हैं बराबर। हमारा दही फेंट चुका है बढ़िया से। इसमें डालती हूँ चीनी। अब चीनी अपने स्वाद हिसाब से लीजिए। यहाँ मैंने चीनी को पीस लिया है मिक्सर जार में और इसे इसमें डालती हूँ। दही मेरा ताज़ा है, मैंने 4 से 5 घंटा पहले ही इसको जामुन डाल के जमा लिया था। बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं है मेरा और चीनी अपने स्वाद के हिसाब से ही इसमें डालिए। चीनी डाल के इसमें मिला लेते हैं। थोड़ा सा ये रोज वाटर है, गुलाब जल, इसे भी डाल देते हैं। इससे सुगंध बहुत अच्छा आता है। इसे मिला लेते हैं। बस हमारा लस्सी बन के तैयार है, इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए पहले इसको हमने रूह अफ़ज़ा से थोड़ा सा इसे ग्लास में डाल लेते हैं। इसे लस्सी देखने में अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। लस्सी को ग्लास में डालते हैं। आइस क्यूब भी डाल देते हैं। वैसे हमारा दही ठंडा ही है, मैंने फ्रिज में ही रखा था। आइस क्यूब भी डाल देते हैं। थोड़ा सा ये दही का मलाई है, इसे भी डाल देते हैं। थोड़ा सा और इसको
थोड़ा सा इसे चेरी से सजाएंगे। लस्सी हमारा बनके तैयार है सर्व करने के लिए। इसी तरह से आप भी बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिश के साथ। तब तक के लिए बाय।